दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फोन पे पर एक नया अकाउंट कैसे बनाएं, फोन पे अकाउंट में हम अपने बैंक अकाउंट को कैसे जोड़ेंगे और इसका यूपीआई पिन कैसे सेट करेंगे। तो दोस्तों, फोन पे अकाउंट कंप्लीट कैसे यूज किया जाता है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फोन पे पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें फोन पे ऐप को डाउनलोड करना होगा और इसे आप प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। तो यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर डाल देते हैं जो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा जो आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाइड करेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली इसको अलाउ कर देना है और जैसे ही आप अलाउ करते हो तो आपके सामने फोन पे ऐप ओपन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपका फोन पे ऐप ही ओपन हुआ है, अभी अकाउंट बनाना बाकी है। दोस्तों, अभी तो सिर्फ हमने अपने मोबाइल नंबर को ओटीपी के माध्यम से वेरीफाइड किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कई लोगों का पहले स्टेप में ही एरर आ जाता है और एरर इसीलिए आता है कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक ना हो और दूसरा आपका मोबाइल पर रिचार्ज ना किया हो। लेकिन यहाँ पर मोबाइल में रिचार्ज भी है और बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक भी किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों, हम अपने बैंक अकाउंट को फोन पे ऐप में ऐड करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर की साइड में ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्लिक करके हम अपने बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको बहुत सारी बैंक के देखने को मिलती है, जैसे कि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से दोस्तों आपके सामने बैंक की लिस्ट आ जाती है। दोस्तों, अगर आपकी बैंक यहाँ पर नहीं है तो आप नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हो और ऊपर सर्च बार में सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर मेरा अकाउंट SBI में है तो मैं SBI बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों आपको अलाउ कर देना है और जैसे ही आप अलाउ करते हो तो आपके सामने बैंक अकाउंट का डिटेल्स आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको एक UPI पिन सेट करना होगा। जैसे कि आप ATM से पैसे निकालने जाते हो तो सबसे पहले आपको ATM पिन डालना होता है, क्योंकि ATM पिन ही आपके बैंक अकाउंट को सिक्योर करके रखता है और UPI पिन एक सीक्रेट पिन होता है। जब आप किसी को UPI थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको यही पिन एंटर करना होता है और यहाँ पर UPI पिन ही आपके बैंक अकाउंट को सिक्योर रखेगा, ताकि बिना कोई UPI पिन जाने यहाँ पर ट्रांजेक्शन या बिल पेमेंट नहीं कर सकता और इसीलिए आपको यहाँ पर एक सीक्रेट UPI पिन सेट कर लेना है और इसीलिए आपको यहाँ पर सेट UPI पिन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर UPI पिन सेट करने के लिए अपने डेबिट कार्ड का यहाँ पर डिटेल्स एंटर करना होगा। अगर दोस्तों आपके पास ATM या डेबिट कार्ड नहीं है तो कुछ बैंकों के आधार कार्ड से भी आप UPI पिन जनरेट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ लिमिटेड बैंकों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों हमारे पास ATM है तो हम ATM से अपना UPI पिन जनरेट करेंगे। वैसे तो दोस्तों ATM कार्ड पर 16 डिजिट होते हैं, लेकिन उसके लास्ट 6 डिजिट ही हमको यहाँ पर एंटर करने हैं। यहाँ पर हमको ATM कार्ड पर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वही हमको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर हम सभी डिटेल्स को भरकर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक OTP आएगा और ये ऑटोमेटिक फिल होकर वेरीफाई भी हो चुका है। दोस्तों, अभी आपको यहाँ पर अपना UPI पिन सेट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग बैंकों का अलग अलग UPI पिन होता है। यहाँ पर दोस्तों कहीं बैंकों का 4 अंकों का UPI पिन देखने को मिलता है और कहीं बैंकों का 6 अंकों का UPI पिन देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, इस तरह के बैंकों में आपको 4 अंकों का UPI पिन देखने को मिलता है और SBI में आपको 6 अंकों का UPI पिन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों आप अपना UPI पिन 2 बार सेम ही एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना UPI पिन एंटर कर दिया है और यहाँ पर दोस्तों हमारा UPI पिन सक्सेसफुली एंटर हो गया है और उसके बाद दोस्तों हम डन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा UPI ID भी यहाँ पर बन गया है और यहाँ पर दोस्तों हमारा फोन पे अकाउंट बन गया है और यहाँ पर फोन पे अकाउंट के होम स्क्रीन पर मनी ट्रांसफर के बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर दोस्तों आप किसी का भी मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ से मनी ट्रांसफर कर सकते हो या फिर किसी की भी बैंक डिटेल्स एंटर करके यहाँ से मनी ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, IFC कोड या फिर बैंक होल्डर नेम। अगर आपने यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट एड किए है तो आप अपने ही बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हो और यहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हो तो यहाँ से बैलेंस भी चेक कर सकते हो। और दोस्तों नीचे की साइड
साइड में आपको रिचार्ज एंड पे बिल्स का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से दोस्तों आप किसी का भी मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हो और यहाँ से डिश टीवी, इलेक्ट्रिसिटी और क्रेडिट कार्ड का बिल भी यहाँ से भर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों आप फोन पे से इंश्योरेंस भी ले सकते हो, जैसे कि दोस्तों बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी यहाँ से ले सकते हो। नीचे की साइड में आपको ट्रैवल बुकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से दोस्तों आप फ्लाइट बुकिंग कर सकते हो, ट्रेन बुकिंग कर सकते हो, बस बुकिंग कर सकते हो और होटल का भी बुकिंग यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों QR कोड से कैसे पेमेंट करना है ये भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर की साइड में स्कैनर का ऑप्शन मिलता है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका स्कैनर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर किसी भी UPI या स्कैनर को स्कैन करके मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों ये था फोन पे पर अपना UPI अकाउंट कैसे बनाना है और इसे कम्प्लीटली कैसे यूज करना है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।